सो यो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ग्रेनेड्स की 5 एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने और बताने वाला हूँ, जिसको देखकर आपके टीममेट्स ही नहीं आपके एनिमी भी शॉक रह जाएंगे। सो गाइज, मैं हूँ अमन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। सो गाइज, एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स से पहले मैं आपको दो नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ ग्रेनेड की। तो गाइज, पहले हम उसे देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपने एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे। गाइज, नॉर्मल टिप नंबर 1 है फैक्ट्री अबव, यानी कि आप फैक्ट्री के ऊपर ग्रेनेड फेंक सकते हो बिस्टन पैट के यूज़ करके। यहाँ पे आपको इस कॉर्नर पे आना है और यहाँ से आपको ग्रेनेड को कुछ इस एंगल से थ्रो करना है। इससे गाइज, जो आपका ग्रेनेड है वो फैक्ट्री के ऊपर जहाँ पे बंदे स्नैपिंग करते हैं अक्सर, वहाँ पे जाकर के ब्लास्ट होगा। सो गाइज, सेकेंड नॉर्मल टिप्स है हमारा वॉक साइलेंटली। गाइज, अब आप जब यूज़ करोगे ग्रेनेड तो आपके फुट स्टेप आ जाती है अगर आप जा रहे हो बंदे को मारने, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेनेड को ऐसे हाथ में लेकर के नॉर्मली ऐसे क्रशर को ऑफ करके वॉक कर सकते हो, जिससे कि आपके फुट स्टेप नहीं आएगी और आप साइलेंटली तरीके से जा करके बंदे के सामने ग्रेनेड फोड़ सकते हो। सो गाइज, अब बढ़ते हैं अपने फाइनली एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 5 पे, जो है स्नाइपिंग टावर। गाइज, आप फ्री फायर के किसी भी मैप में टावर पे कवर में बैठ करके ग्रेनेड थ्रो नहीं कर सकते हो केवल इस एंगल को छोड़ के। गाइज, आप यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्रेनेड को थ्रो कर सकते हो, जिससे कि आपका ग्रेनेड नीचे खड़े बंदे पे जा करके सीधा ब्लास्ट होगा और बंदा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज, टिप नंबर 4 है डबल डोर। गाइज, आपने देखा होगा अक्सर बंदे यहाँ पे बैठ करके कैंप करते हैं और अगर आप विंडो की तरफ से थ्रो करते हो तो वो बंदे इधर या फिर उधर मूव कर जाते हैं और फिर वापस से आके वही विंडो पे बैठ के आपका वेट करते हैं ऊपर आने का। तो गाइज, आप यहाँ पे बैठ करके कुछ इस एंगल से ग्रेनेड को थ्रो कर सकते हो और आप चाहो तो टाइमिंग भी लगा सकते हो या बिना टाइमिंग के भी फेंक सकते हो। तो यहाँ पे आप जब ग्रेनेड थ्रो करोगे तो बंदा को डायरेक्ट जाकर के वो हिट होगा और बंदा वहाँ पे डाउन या फिर ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर ट्रिक की तरफ, जो है 360 डिग्री ग्लू वॉल। गाइज, आपने देखा होगा कि जब क्लोज हो जाता है फाइट, जब जोन श्रिंक होने लगता है तो बंदे कवर ले लेते हैं अपने ग्लू वॉल का, चारों तरफ से 360 पैक कर लेते हैं। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पे ऊपर एक ग्लू वॉल डालो और उसके अपोजिट साइड से जाकर के एक इस एंगल से ग्रेनेड थ्रो करो कि ग्रेनेड डायरेक्ट उसमें टकरा के वॉल पे आपके और अंदर चला जाए। इससे क्या होगा गाइस, बंदा अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगर इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आप किसी भी एक एनिमी को किल करते हो ना, तो वीडियो को एक लाइक आकर जरूर कर देना, और अगर आप नहीं करते हो तो ये तो फिर आपकी गलती है। सो गाइस, फन फैक्ट्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के नंबर 2 टिप्स की, जो है क्लॉक टावर हाउस। गाइस, आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे अक्सर बंदा कैंप करता है तो आपको अगर पता है बंदा यहाँ पे है तो आप उसे डायरेक्ट रश करने के मारने क्या जरूरत है। आप यहाँ से गाइस ग्रेनेड थ्रो कर सकते हो और वो ग्रेनेड जाकर के दीवार के उस तरफ बंदे के पास ब्लास्ट होगा और बंदा वहीं पे खत्म हो जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं हम आज के नंबर 1 फैक्ट्स की, जो है कवर्ड हाउस, या जिसे आप कह सकते हो वन वे हाउस, यानी कि इस जहाँ जाने का बस एक ही रास्ता हो और अगर बंदा उसको भी ग्लू वॉल से पैक करके अंदर बैठा हुआ है तो आप उसे ग्रेनेड से कैसे किल कर सकते हो, कैसे ख़त्म कर सकते हो, वो है गाइस हमारा टिप नंबर 1। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है और आपके ग्रेनेड को या ऐसे एंगल में पकड़ के और जमीन और टेंट के बीच में जो आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा वहाँ से आपको ग्रेनेड को थ्रो करना है और ग्रेनेड डायरेक्टली अंदर चला जाएगा और वो बंदे पे जाकर ब्लास्ट होगा और बंदा अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज, इसमें आता है आपका एक स्मॉल हाउस भी, जिसमें कि आपके एक विंडो और एक डोर होती है, लेकिन अगर आप ग्लू वॉल डालो तो वो दोनों पैक हो जाते हैं। तो उसमें अगर बंदा एनिमी है तो आप उसे कैसे किल कर सकते हो, तो उसके लिए गाइज आपको यहाँ से ऊपर की तरफ से ग्रेनेड को थ्रो करना होगा। यहाँ से अगर आप ग्रेनेड थ्रो करते हो तो वो ग्रेनेड सीधा अंदर जाता है और बंदा वहाँ पे अंदर ही ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। हम गाइज अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्सफुल वीडियोस लाते रहते हैं, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज़।